हेलो एवरीवन, मैं हूं देव और स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल देव MTR में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं हीरो की मोस्ट पॉपुलर बाइक HF डीलक्स गाड़ी के बारे में। ये गाड़ी BS6 2020 का मॉडल है। आज हम इस गाड़ी का रिव्यू करेंगे, इस गाड़ी का ऑन रोड प्राइस क्या है इसके बारे में बताएंगे, और साथ ही साथ दोस्तों मैं इसमें बताऊँगा कि आपको इस गाड़ी में जो है मेजर चेंजेस क्या क्या हो चुके हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ देव MTR चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ ही साथ प्रेस कर देना बेल आइकन को। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करता हूँ इस गाड़ी के फ्रंट प्रोफाइल को लेकर। जैसा कि आप देख सकते हो, इस गाड़ी में जो है फ्रंट प्रोफाइल में ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं हुआ है। पहले की तरह ही आपको जो है नॉर्मल हेलोजन हेडलैम्प मिल जाती है। साथ ही साथ आप देख सकते हो यहाँ पे आपको जो है विंड स्क्रीन का जो ग्लास है आपको ब्लैक कलर में मिलता था, पहले भी मिलता था, अभी भी आपको यही मिलता है। और साथ ही साथ आपको जो है हीरो का 3D लोगो आपको यहाँ पर मिल जाता है। इसके साथ ही आप यहाँ पर देख सकते हो आपको जो ग्राफिक्स पहले आते थे वही अभी भी आ रहे हैं, और आपको जो है नॉन फ्लेक्सिबल इंडिकेटर मिल जाते हैं। आपको यहाँ पे नेम प्लेट को लगाने का ऑप्शन मिल जाता है। टायर के डिज़ाइन की बात करूँ तो कुछ इस टाइप का आपको टायर की डिज़ाइन मिल जाती है। और दूसरी साइड आप देख सकते हो यहाँ पे आपको जो है IBS का लोगो मिल जाता है इंटीग्रेटेड ब्रेकिंग सिस्टम का। साथ ही साथ आपको जो है इंटीग्रेटेड ब्रेकिंग सिस्टम मिल जाता है। यहाँ पे अगर आप फ्रंट या रियर की कोई भी ब्रेक अप्लाई करते हो तो दोनों ब्रेक आपकी एक साथ काम करते हैं इस गाड़ी में। इसके बाद आपको यहाँ पर अगर आप टायर का साइज़ देखोगे तो 2/75/18 का टायर साइज़ मिल जाता है। इसमें आपको जो है कैंडा कंपनी का टायर मिलता है। ट्यूब टाइप इस गाड़ी में आपको टायर मिलते हैं, ट्यूबलेस टायर इस गाड़ी में आपको नहीं मिलते हैं। अगर आप ITS का वर्जन लेते हो तो उसमें आपको ट्यूबलेस टायर मिल जाते हैं। अब दोस्तों मैं बात करूँ इस गाड़ी के लुक को लेकर, तो लुक इसका जो है पहले की तरह ही है, ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं है। जैसा कि आप देख सकते हो, साइड से भी देख सकते हो और पीछे से भी आप देख सकते हो इस गाड़ी का जो लुक है, लुक में ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं हुआ है। इस गाड़ी में कुछ जो है सेंसर लगा दिए गए हैं। तो दोस्तों बात करूँ इस गाड़ी के मीटर कंसोल की, तो एनालॉग टाइप का आपको यहाँ पे मीटर मिल जाता है। दोनों साइड में 140 किलोमीटर पर आवर की यहाँ पे स्पीड दे रखी है, और यहाँ पे आपको साइड स्टैंड का इंडिकेशन मिल जाता है। यहाँ पे आपको टर्न लेफ्ट और टर्न राइट का इंडिकेटर का इंडिकेशन मिल जाता है, लाइट मिल जाती है। इसके साथ ही आपको यहाँ पर गियर का न्यूट्रल करने का यहाँ पर आपको इंडिकेशन मिलता है। इसके साथ ही आपको यहाँ पर जो है फ्यूल का मीटर भी मिल जाता है एनालॉग टाइप में। इसके बाद आपको बड़ा चेंजेस आपको यहाँ पे ये मिलता है कि दोस्तों यहाँ पे आपको माल फंक्शन की लाइट मिल जाती है। अगर आपके इंजन में कोई भी सेंसर काम नहीं करता है, कोई भी डिफ़ॉल्ट आता है, तो ये लाइट आपकी ब्लिंक करने लगेगी दोस्तों। जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पर जो है हेडलाइट का इंडिकेशन भी मिल जाता है। इसके साथ ही दोस्तों अगर आप इसकी जो हैंडल बार की रॉड को आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको क्रोम का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पे आपको जो है ORBMs मिल जाते हैं। नई गाड़ी अभी इस गाड़ी में से ORBM निकाल दिए गए हैं दोस्तों। इसके साथ ही आप देख सकते हो यहाँ पे जो है गाड़ी की जो हेडलाइट को अप और डाउन करने का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पर आपको जो है इंडिकेटर मिल जाता है लेफ्ट और राइट करने का। यहाँ पर आपको जो है हॉर्न का ऑप्शन मिल जाता है। तो दोस्तों इसके दूसरी साइड की तरफ चलें तो यहाँ पर आपको जो है सेल्फ की बटन मिल जाती है, जैसा कि आप देख सकते हो। इसमें आप i3S वाला वर्जन ले तो इस गाड़ी में HF डीलक्स में, तो आपको यहाँ पे i3S का ब्लू कलर की यहाँ पे आपको बटन मिलती है, जिससे इंजन का इग्निशन ऑन और ऑफ करने का ऑप्शन मिलता है। इस गाड़ी की फ्यूल टैंक कैपेसिटी को लेकर, तो इस गाड़ी में आपको 9.6 लीटर का फ्यूल टैंक की कैपेसिटी मिलती है। साथ ही साथ दोस्तों बात करूँ इसके इंजन को लेकर, तो इस गाड़ी में आपको जो है एयर कूल्ड 4-स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर का इंजन मिलता है। दोस्तों इसकी जो मैक्सिमम पावर है वो है 8.02 PS @8000 RPM पर। इसका जो मैक्सिमम टॉर्क है दोस्तों वो है 8.05 Nm टॉर्क @6000 RPM पर। ये गाड़ी जो है आपको ड्रम ब्रेक में मिलती है, रियर में भी आपको ड्रम ब्रेक का ऑप्शन मिलता है और फ्रंट में भी आपको ड्रम ब्रेक का ऑप्शन मिलता है। गाड़ी के इंजन के फीचर्स को लेकर मैं बात करूं तो जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे आपको टूल बॉक्स मिल जाता है, इसमें आपको पावर स्टार्ट का स्टिकर मिल जाता है। यहाँ पे आपको प्रोग्रामेड FI का स्टिकर मिल जाता है। फ्यूल इंजेक्शन इस गाड़ी में टेक्नोलॉजी लगी हुई है। इस टूल बॉक्स में आप बहुत सारा सामान कैरी भी कर सकते हो, जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे आप डॉक्यूमेंट रख सकते हो और टूल भी रख सकते हो गाड़ी के जो भी आते हैं। यहाँ पे दोस्तों आपको जो है सेल्फ का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पे आपको गाड़ी का सेल्फ दे रखा है। यहाँ पे फ्यूल इंजेक्शन जो पूरी जो टेक्नोलॉजी है यहाँ पे दे रखी है। इस गाड़ी में जो कार्बोरेटर पहले आता था BS4 में, वो यहाँ से रिमूव कर दिया गया है। और इस गाड़ी में बहुत सारे सेंसर दे रखे हैं, जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे जो है आपका एक सेंसर दे रखा है इस गाड़ी के हेड पे। इसके साथ ही आप यहाँ पे स्पार्क प्लग यहाँ पे दे रखा है, और इसके साथ ही यहाँ पे आप देख सकते हो साइलेंसर के ऊपर, यहाँ पे पहले ये BS4 में नहीं आता था, यहाँ पे आपको कैटेलिटी कन्वर्टर दे रखा है। और साथ ही साथ इंजन पे आपको हीरो की बैचिंग मिल जाती है यहाँ पे।
यहाँ पे आपको किक स्टार्ट का यहाँ पे लीवर दे रखा है, जैसा कि आप देख सकते हो क्रोम फिनिश। जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पे जो है पहले कार्बोरेटर में ये वाली जो एक्सीलेटर का जो तार होता था यहाँ पे होता था, यहाँ पे एक्स वो होता था, लेकिन इसमें जो है जैसा कि आप देख सकते हो फ्यूल इंजेक्शन का जो सिस्टम है पूरा यहाँ पे दे रखा है। इलेक्ट्रिकली इस गाड़ी में जो है फ्यूल कंजप्शन होता है, गाड़ी जो है वो इलेक्ट्रिकल तरीके से गाड़ी जो है फ्यूल सप्लाई करती है इंजन को। दोस्तों आपको यहाँ पे ये मिल जाता है कि ब्रेक पैड आपको जो है क्रोम फिनिश में मिल जाता है, और यहाँ पे आपको सेफ्टी फीचर के हिसाब से ये काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगा। दोस्तों इसके पिछली वाली साइड की तो जैसा कि आप देख सकते हो आपको जो है ब्लैक कलर के आपको जो है शॉकर मिल जाते हैं क्रोम फिनिश के साथ। इसके साथ ही आप देख सकते हो ये शॉकर जो है आप एडजस्ट कर सकते हो अपने कंफर्ट के हिसाब से, अपने वेट के हिसाब से। दोस्तों बात करूँ इस गाड़ी के दूसरी साइड की तो जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे आपको जो है साइड गार्ड का ऑप्शन मिल जाता है, ये अभी कसा हुआ नहीं है। यहाँ पे एडजस्टेबल आपको शॉकर दे रखे हैं, यहाँ से आप शॉकर को एडजस्ट कर सकते हो पेचकस के हिसाब से, अपने कम्फर्ट के हिसाब से और वेट के हिसाब से। एडजस्टेबल आपको फुटरेस्ट मिल जाते हैं दोनों साइड में, ड्राइवर और पैसेंजर साइड में। यहाँ पे आपको गियर का लीवर मिल जाता है क्रोम फिनिश में। इसके साथ ही आपको ब्लैक कलर का चैन सेट का जो कवर होता है वो यहाँ पे मिल जाता है, और ब्लैक कलर का ही जो चैन सेट कवर होता है आपको यहाँ प्लास्टिक में मिल जाता है। जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे आपको जो है चैन सेट का जो प्रिकॉशंस होती हैं वो यहाँ पे दे रखी हैं। इसके साथ ही दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो पावर स्टार्ट फ्यूल इंजेक्शन का यहाँ पे प्रोग्रामेड FI का यहाँ पे स्टिकर दे रखा है, और क्रोम फिनिश में आपको जो है यहाँ पे लेग गार्ड मिल जाता है जो गाड़ी की सेफ्टी के हिसाब से बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब करूँ इस गाड़ी के ओवरऑल लुक को लेकर और उसके ग्राफिक्स को लेकर, तो जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे फ्यूल टैंक पे आपको स्टिकर मिल जाता है हीरो का, और हीरो का यहाँ पे आपको लोगो भी मिल जाता है। इसके जो ग्राफिक्स हैं वो बैगनी और सिल्वर कलर में काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं ब्लैक कलर पर, और इसके फ्यूल टैंक पर भी आपको जो है स्टिकर मिल जाता है प्रिकॉशंस का, क्वेश्चंस का, और यहाँ पर आपको कुछ राउंड टाइप का आपको जो है इसका फ्यूल टैंक का ढक्कन मिल जाता है। इसके साथ ही आप इसके सीट की बात करें तो दोस्तों इसकी सीट थोड़ी सी हार्ड है पैशन और ग्लैमर के हिसाब से, फ्लैट टाइप की इसकी आपको सीट मिल जाती है। यहाँ पे आपको ग्रैब रेल का ऑप्शन मिल जाता है। इसके साथ ही आप यहाँ पे देख सकते हो HF डीलक्स का यहाँ भी आपको ग्राफिक्स मिल जाते हैं इसके साइड पैनल पर। इसके बाद आप नीचे की पीछे की साइड में देखोगे तो यहाँ भी आपको ग्राफिक्स मिल जाते हैं सिल्वर और बैगनी कलर के, और पीछे आपको हीरो का लोगो मिल जाता है स्टिकर में। तो कुछ पुराने मॉडल में ही आपको इसमें मिल जाती है टेल लाइट, और इसके नीचे मिल जाता है आपको एक रिफ्लेक्टर, और साथ ही साथ इसमें नेम प्लेट लगाने का ऑप्शन भी मिल जाता है, और इसके नॉन फ्लेक्सिबल इंडिकेटर भी मिल जाते हैं वाटर कलर में जैसा कि आप देख सकते हो, जिसमें रेड बल्ब लगे हुए हैं। तो अब मैं इस गाड़ी का आपको साउंड सुनाना चाहूँगा कि इस गाड़ी को स्टार्ट करने पर इंजन का जो साउंड है वो कैसा आता है। गाड़ी को मैंने ऑन कर दिया है चाबी को, और गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है जैसा कि आप देख सकते हो। यहाँ पर साइड स्टैंड की लाइट भी जल रही है, न्यूट्रल वाली लाइट भी जल रही है, स्मॉल फंक्शन की लाइट भी जल रही है। इंजन स्टार्ट हो चुका है, मैं इसमें रेस देखता हूँ देखकर। जैसा कि आप देख सकते हो इन का साइलेंसर का जो साउंड है आप सुन सकते हो कैसा आ रहा है, बहुत ही ज़्यादा स्मूथ और रिफाइन इंजन है इस गाड़ी का। बात करूँ इस गाड़ी के माइलेज को लेकर तो ये गाड़ी आपको जो है 65 से 75 का माइलेज आराम से दे देगी, क्योंकि इसमें जो है फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम आ चुका है अगर आप इसको प्रॉपर से मैनेज करते हो। लेकिन आपको मैं ध्यान देने वाली एक बात बता दूं कि इस सिस्टम में आपको जो है 1.5 से 2 लीटर आपको पेट्रोल रिजर्व में रखनी पड़ेगी। अगर आप 50 या 100 या 60 रुपए की पेट्रोल डलाकर गाड़ी को चलाते हो तो आपको बहुत ही बड़ा लॉस हो सकता है इन फ्यूचर में। इसके अंदर जो फ्यूल पंप होती है वो आपकी डैमेज हो सकती है, अगर वो उसमें जो है पेट्रोल में डूबी नहीं रहेगी तो वो आपकी जो है डैमेज हो सकती है, मोटर फूक सकती है, आपको 10 से 15 हज़ार रुपये का खर्चा आ सकता है। तो ये आपको सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है। BS6 की जो भी बाइक आई है आपको 1.5 से 2 लीटर का जो है पेट्रोल जो है रिजर्व करके आराम से रखना है, जिससे कि जो फ्यूल पंप है वो पेट्रोल के अंदर डूबी रहे और प्रॉपरली वर्क कर पाए। दोस्तों बात करूँ इस गाड़ी के ऑन रोड प्राइस मथुरा UP की, तो इसमें आपको किक स्टार्ट ड्रम स्पॉक व्हील्स में अगर आप इस गाड़ी को लेते हो तो 56,741 रुपये इस गाड़ी का ऑन रोड प्राइस। गाड़ी को अगर आप किक स्टार्ट ड्रम अलॉय व्हील्स में लेते हो तो 57,860 रुपये इस गाड़ी का ऑन रोड प्राइस मिल जाता है, और सेल्फ स्टार्ट अलॉय व्हील्स में अगर आप लेते हो इस गाड़ी को तो 67,802 रुपीज़ इस गाड़ी का ऑन रोड प्राइस मिल जाता है। अगर आप इस गाड़ी को सेल्फ स्टार्ट अलॉय व्हील्स I3S वाली टेक्नोलॉजी में लेते हो तो इस गाड़ी का जो ऑन रोड प्राइस है वो है 69,174 रुपीज़। मेरी आपको कैसी लगी, अगर ये वीडियो मेरी आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर देना और शेयर कर देना। और दोस्तों अगर आप इस HF डीलक्स गाड़ी ख़रीदना चाहते हो और आप भी जानना चाहते हो अपनी सिटी या जहाँ भी आप रहते हो, तो आप मेरे को सिटी का नाम और अपना पिन कोड
आप मेरे को कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना, तो मैं आपको जो है आप उस कमेंट सेक्शन में आपको जो है इस गाड़ी का ऑन रोड प्राइस बता दूंगा आपकी सिटी के हिसाब से। तो दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, लाइक कर देना और कमेंट कर देना अगर आपके मन में कोई डाउट है या सवाल है। साथ ही साथ दोस्तों इस देव MTR चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।